सर्वेद कथा, जय सर्वेद कथा। श्रवण मात्र से मिट जाती है बहु जन्मों की व्यथा। जय सर्वेद कथा, जय सर्वेद कथा, जय सर्वेद कथा, जय सर्वेद कथा। चलते हैं हम अब सर्वेद में तन्मय होकर इन दिव्य वाणियों का, आध्यात्मिक वाणियों का आप सभी श्रवण करें। शुभ संस्कारों का उदय होता है, अशुभ संस्कार नष्ट होते हैं, विवेक जागृत होता है, अविद्या अंधकार नष्ट हो जाते हैं। सभी तन्मय होकर इन दिव्य वाणियों का श्रवण करें।
धर्म नीति व्यवहार ले पंच विषय संग संग नियमित हरि माया रे जीवन सुभग सुमन इन वाणियों में गृहस्थ संत की महिमा का वर्णन किया गया है। गृहस्थ त्याग अंतर करे बाहर बाहर संग्रह पंत। जो गृहस्थ संत है वह अंतर से त्यागी होता है, त्याग में प्रतिष्ठित होता है। वह जानता है कि त्याग से ही सुख की प्राप्ति होती है। बाहर संग्रह कर रहा है, घर परिवार के लिए समाज के लिए संग्रह करता है, बाहर से संग्रही होता है, धर्मपूर्वक अर्थ की प्राप्ति करता, बाहर से संग्रही है और भीतर से त्याग में प्रतिष्ठित है। गृहस्थ त्याग अंतर करे बाहर बाहर संग्रह पंत। बाहर से संग्रही है लेकिन आंतरिक रूप से वह त्याग में प्रतिष्ठित है। तेन त्यक्तेन भुंजीथा, ये त्याग की पराकाष्ठा है। गृहस्थ आश्रम सर्वश्रेष्ठ आश्रम है, समस्त आश्रमों की जननी है, ये माता है। गृही श्रेष्ठ सिद्धांत है, कर्म भजन संग होए। गृही सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत है जिसमें कर्मों का भी संपादन हो रहा है और भजन भी हो रही है। हाँ, कर्म भी हो रहे हैं और भजन भी हो रही है। पंच विषयों के साथ है। हाँ, बाहर का भी ज्ञान प्राप्त कर रहा है, बाहर का भी बोध प्राप्त कर रहा है और आंतरिक रूप से उसकी भजन भी चल रही है। कर्म और भजन एक साथ। संसार में है और संसार से भिन्न भी है वह। इनसे अपनी चेतना को अंतर्मुखी कर, सूक्ष्म कर, अत्यंत आनंद का वह अनुभव करता है। वो धर्म नीति और व्यवहार से युक्त हो जाता है। धर्म नीति व्यवहार ले पंच विषय संग संग नियमित हरि माया रहे जीवन सुभग सुमन। स्वर वेद की वाणी कहती है कि धर्म नीति और व्यवहार से युक्त होकर वो कर्मों का संपादन कर रहा है और उसका भजन भी चल रहा है, भजन हो रही है। भजन केवल वाणी का विषय नहीं है, वाणी के द्वारा ही केवल भजन नहीं होती है, ये तो बाह्य भजन है, ये तो उस आंतरिक भजन का एक प्रतीक मात्र है। भजन भजन की एक आंतरिक प्रक्रिया है, भजन की एक आंतरिक प्रणाली है जो आत्मा के द्वारा सदैव प्रवाहित होती रहती है, जो आत्मा के द्वारा सदैव प्रवाहित होती रहती है। भजन किया नहीं जाता, भजन तो स्वतः स्वयं होता रहता है। तो विहंगम योग समस्त तत्वों का यथार्थ ज्ञान प्रस्तुत करता है। जो वस्तु जैसी उसको वैसा जानना, यही ज्ञान और विद्या का यथार्थ लक्षण है। तो इस प्रकार सेवा सत्संग और साधना का अभाव ना हो, सेवा सत्संग और साधना से हम दूर न रहें, सदैव इस पथ पर हम आगे बढ़ते रहें। आज इस दूसरे दिन के लिए, द्वितीय दिवस के लिए मैं इतना पर्याप्त समझ रहा हूँ। कल की आध्यात्मिक सभा में हम सब पुनः इस ब्रह्म विद्या के भेदों को आत्मसात करेंगे। कल समापन दिवस होगा,
वैदिक महायज्ञ में हम आहुतियों को प्रदान करेंगे भौतिक कामनाओं की पूर्ति के लिए, आध्यात्मिक जीवन के विकास के लिए, व्यष्टिगत और समष्टिगत लाभ के लिए, स्वयं का विकास और विश्व का कल्याण, ये दोनों बातें हवन यज्ञ में हैं। व्यष्टिगत और समष्टिगत लाभ, आप सबों का हर क्षेत्र में कल्याण हो, विकास हो, आप सुख शांति का अनुभव करें, सेवा सत्संग और साधना में सदैव आप प्रगति करें, यही कल्याण का साधन है। आप शरीर से स्वस्थ हो, आप मन से स्वस्थ हो, आप स्व में स्थित होकर, आत्मा में स्थित होकर उस परमानंद का अनुभव करें, परमात्मा की प्राप्ति करें, आप कल्याण और उन्नति की प्राप्ति करें। आपके कल्याण की कामना के साथ, आपके सर्वांगीण विकास की कामना के साथ, जो भी दुख है, जो भी समस्याएं हैं, जो भी कष्ट हैं, उन कष्टों से हम सर्वथा मुक्त होकर, उन कष्टों से सर्वथा रहित होकर, विहंगम योग के द्वारा, इस ब्रह्म विद्या के द्वारा आनंद की प्राप्ति करें, परमानंद का अनुभव करें, सबका हर तरह से हर क्षेत्र में कल्याण हो, विकास हो। इसी मंगल भावना के साथ, इन्हीं मंगल वचनों के साथ इस यात्रा का विराम होता है। मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूं और आपके कल्याण की एक बार पुनः प्रार्थना करता हूं। बोलिए सद्गुरुदेव की। सदगुरु सदाफल देव रचित स्वरवेद विहंगम योग का संपूर्ण दर्शन प्रस्तुत करता है, जिसका प्रैक्टिकल आप भी अपने घर परिवार में रहते हुए कर सकते हैं। 5 कोटियों की ये साधना शुरू होती है मन को स्थिर करने से, जिससे भूमि पर मन का प्रकाश प्रकट होता है और साधक अपार शांति का अनुभव करने लगता है। मात्र 10 मिनट सुबह शाम के अभ्यास से प्राप्त लाभ ने आज विश्व के वैज्ञानिकों को आश्चर्यचकित कर दिया है। दूसरी कोटि में विहंगम योग का साधक मन को अंतर्मुखी कर अंदर की त्रिवेणी में स्नान करता है, जहां उसे प्राप्त होता है ब्रह्मांड में व्याप्त एवं गुंजायमान ओम। जब ये ध्वनि स्वयं प्रकाशित हो जाती है तो चेतना ऊर्ध्वमुख होकर दशम द्वार पर पहुंचती है। यही ब्रह्म रंध्र या मोक्ष का द्वार है, जिसके खुले बिना जन्म जन्मांतर की दास्ता से मुक्ति संभव ही नहीं। विहंगम योग की तीसरी कोटि में सदगुरु दया से बिना किसी कुंभक प्राणायाम के सहज में कुंडलिनी जागरण हो जाता है और दशम द्वार के खुलते ही अक्षर ब्रह्म का प्रकाश आत्मा को प्राप्त होने लगता है। यही विहंगम योग की चतुर्थ भूमि है, जहां मन एवं प्राण का लय हो जाता है और सारे प्राकृतिक करणों को छोड़कर चेतन आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप से शाश्वत प्राण सखा से मिलने चल देती है। तब आती है पंचम भूमि, जहां रहता है बस आनंद रूपी अथाह समुद्र। उस कालातीत समंदर में जीव किलोले करता रहता है, इसीलिए विहंगम मार्ग को मीन मार्ग भी कहा जाता है। आप भी बिना किसी शर्त, फीस अथवा बंधन के इस आध्यात्मिक क्रांति का लाभ उठा सकते हैं। संपर्क करें महर्षि सदाफल देव आश्रम, छतनाग रोड, झूसी, प्रयाग, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश 211019। संपर्क सूत्र 09956118770, 05322567204, 05322209448।